हाई प्रेजेंट, आज सीडी हम बात करने वाले हैं ईसीएस टी10 पुर्तगाल का। आज का जो मैच नंबर 44 होगा जो खेले जाने वाला है ओईआई वर्सेस एफआईजी के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज रात 8:30 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो यहाँ पर ना मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है आज। वेन्यू की बात करें सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें 8 विकेट हैं। एवरेज इसको 100 से 120 के बीच में रहने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देख लें तो टोटल यहाँ पर अब तक 41 मैच कंप्लीट हो चुके हैं। 13 मैच डेबिटिंग टीम ने 10 मैच में चेंज हुआ है और 18 मैच यहाँ पर नॉट रिजल्ट रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें ओईआई की टीम की। तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट्स फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आप वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे अकाउंट पर क्लिक आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ जो सब पर क्लिक आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर लें ओईआई की टीम की, तो यहाँ से देख सकते हो आज इस टीम का ये फर्स्ट मैच होगा, तो काफ़ी बैटिंग ऑर्डर में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पूरा वीडियो ना ध्यान से देखना है, तभी आप अपनी बेहतर टीम बना पाओगे। तो ओपनिंग करने आ सकते हैं यहाँ से डेनियल डोयल और यहाँ से कैनरोन ग्रीन शील्ड्स। डेंड्रोल की बात करें तो 2024 में ना टी10 के 11 मैच इन्होंने खेले हैं। 526 रन बनाए, 0 विकेट निकाले, 1 ओवर डाल के। बैटिंग का स्कोर इनका काफ़ी बेहतरीन है। रिसेंट फॉर्म इनका 70-100, 0-115, 0 विकेट और 0 रन है। तो मैं टीम में जरूर इन्हें मौका देने वाला हूँ। कैनरोन ग्रीन शील्ड्स की बात कर लें, 2023 में टी10 के इन्होंने 23 मैच खेले, 717 रन बनाए, 5 विकेट निकाले हैं। रिसेंट फॉर्म 9-40-48, 1 ओवर 72 रन। बात कर लें यहाँ से प्रोक्सोइस स्टोमन की, 2023 में टी10 के 39 मैच के लिए 414 रन बनाए, 26 विकेट निकाले हैं। रिसेंट फॉर्म 42, 1 विकेट 0 विकेट, 1 विकेट 47 रन, 18 रन, 0 विकेट है। यहाँ पर इनका बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों का स्कोर ना काफ़ी बेहतरीन है। बात कर लें राहुल विश्वकर्मा की, 2023 में टी10 के 23 मैच के लिए 258 रन, 9 विकेट हैं। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 9 बैटिंग, 15 ओवर 1 रन है। गिरीश सिंह, 2023 में टी10 के 19 मैच इन्होंने खेले हैं, 107 रन बनाए, 21 विकेट निकाले, 25 ओवर डाल के। बाकी रिसेंट फॉर्म में 14-0, 28-3, 2-15, 1 विकेट है। यहाँ पर इनका बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों का स्कोर काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। पार्थ जोनजात की बात करें, 2022 में टी10 के 29 मैच खेले, 182 रन बनाए, 15 का एवरेज है। यहाँ पर रिसेंट फॉर्म इनका 9 बैटिंग 21-10, 9 बैटिंग और 9 बैटिंग है। मलिक शान, 2022 में टी10 के 15 मैच खेले, 1 रन बनाए, रिकॉर्ड इनका बिल्कुल ख़राब होने वाला है। अमित कुमार, 2022 में 7 मैच खेले, 14 रन, 1 विकेट है, इनका भी रिकॉर्ड खास नहीं है। ताज महमूद की तरफ आ जाते हैं, 2023 में टी10 के 16 मैच खेले, 93 रन बनाए और 19 विकेट निकाले, 32 ओवर डाल के। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 25 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट और 32 1 विकेट है। यहाँ पर इनका बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों का स्कोर काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ से बात करें जुनैद खान की, 2024 में टी10 के 5 मैच खेले, 19 रन बनाए, 1 विकेट निकाला। रिसेंट ओवर में एक ही मैच में इन्होंने विकेट निकाला है, बाकी पूरे चारों मैचों में ना विकेट नहीं निकाल पाए। अलेक्स मेसी, 2023 में टी10 के 11 मैच खेले, 7 विकेट निकाले, रिसेंट ओवर में 1 विकेट। यहाँ पर देख सकते हो बेंच में से आ जाते हैं, तो यहाँ से देख लेते बेंच का प्लेयर। तो यहाँ से बेंच में से पूरे खिलाड़ी के स्टेट्स आप देख लो, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कोई भी यहाँ से ना बैटिंग ऑर्डर में आ सकता है। जैसे यहाँ से आ जाता है मेगोल स्टोमैन, 2023 में इन्होंने टी10 के 16 मैच खेले, 22 रन बनाए, 1 विकेट निकाला है, काफ़ी डाउन स्कोर है इनका। गुरजीत सिंह, 2023 में टी10 के 7 मैच में 0 विकेट, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों का स्कोर बिल्कुल ख़राब है। डियोगो, यहाँ से टी10 के 1 मैच में 2 विकेट हैं, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट हैं। अरसलान नसीम की बात कर लें, 2023 में टी10 के 7 मैच खेले, 3 विकेट निकाले, 5 ओवर डाल के। यहाँ पर इनका रिसेंट फॉर्म है, दो मैचों में इन्होंने विकेट निकाले हैं, बाकी तीनों मैचों में बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। बात कर लें यहाँ से लक्षण विरांकू, टी10 के 10 मैच में 14 रन, 2 विकेट, 6 ओवर डाल के। बाकी रिसेंट फॉर्म इनका 0 विकेट, 1 विकेट, 9 बैटिंग, 1 ओवर 9 बैटिंग है। ब्रेंडन बेंड्रॉप हास्ट की बात कर लें, 2023 में ना 4 मैच खेले, 55 रन बनाए, 4 विकेट निकाले हैं। यहाँ पर रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी सुपर है, 36-0 विकेट 38-2 विकेट 15-2 विकेट और 1 रन 0 विकेट है। रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा, अगर खेलता है तो टीम में मौका दे सकते हो। जुआन एंद्री, टी10 के 10 मैच में 5 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट है। डियागो मार्टिन्स की बात करें, टी10 के 2 मैच में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म बिल्कुल ख़राब है। कृष्णा न्यूपाने की बात करें, टी10 के 8 मैच में 2 विकेट, रिसेंट फॉर्म इनका बिल्कुल ख़राब है। सागर
मंगलोर की बात कर ले, T20 के 34 मैच खेले, वो 43 विकेट निकाले हैं, एवरेज भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर 861 रन बनाए, 47 का एवरेज है। बाकी खिलाड़ी इनके स्टेट्स अवेलेबल नहीं, अगर इनमें से कोई खेले उनकी जानकारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। स्टार्टिंग ऑर्डर लेंगे यहाँ से जे खान, टी महमूद, डेथ को डालेंगे यहाँ से एप स्टोमन, जे खान और यहाँ से टी महमूद। जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए मदद रहने वाले हैं। बात करें दूसरी टीम एप आई जी की, तो यहाँ पर आगे बात करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है कि वीडियो को आप पूरा देखते हो, पर ना तो आप वीडियो पर लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो आपको वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना है, जिससे आप हमें आपकी कमेंट पढ़ के ना काफ़ी अच्छा लगता है। बात कर ले यहाँ से परविंदर सिंह की, यहाँ से ओपनिंग करने आ सकते हैं, क्योंकि ना ये आज इस टीम का फर्स्ट मैच होगा, तो काफ़ी बैटिंग ऑर्डर में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। परविंदर सिंह की बात करें, T10 के 26 मैच के लिए 177 रन, 8 विकेट निकाले, 18 ओवर डाल के, रिसेंट मोमेंट का बिल्कुल खराब। मनदीप सिंह 2023 में T10 के 14 मैच खेले, 61 रन बनाए, 17 विकेट निकाले हैं, रिसेंट में 1 विकेट, 19 जीरो विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट है। बात कर ले गुरु सेवक सिंह की, T10 के 11 मैच में 66 रन, 33 का एवरेज है, रिसेंट में 4 मैच में 9 बैटिंग रहे, बाकी 1 मैच में 25 रन की पारी इन्होंने खेली है। मनदीप मोल की बात कर ले, 2023 में T10 के 2 मैच खेले, 47 रन, 3 विकेट निकाले, 4 ओवर डाल के, बाकी रिसेंट में इनका 4 विकेट, 2 विकेट, 4 रन, 5, 1 विकेट और 42 2 विकेट है। जसविंदर सिंह 2023 में T10 के 5 मैच खेले, 40 रन, 2 विकेट निकाले, 4 ओवर डाल के, यहाँ पर इनका रिकॉर्ड है, 1 मैच में इन्होंने 14 रन, साथ में 2 विकेट निकाले हैं। बात कर ले परविंदर सिंह की, T10 के 8 मैच में 183 रन है, 36 का एवरेज, 2 विकेट हैं, रिसेंट में इनका 0 विकेट, 1 विकेट, 16 रन, 31 0 विकेट और 39 रन है। महमूद शान 2022 में T10 के 7 मैच में 9 विकेट, रिसेंट में 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट है। यहाँ पर इनका ना रिकॉर्ड काफ़ी सुपर है, क्योंकि आपको ज़्यादातर 2-2 ओवर डालता दिखाई देने वाला है। बात करें यहाँ से मोहम्मद बिलाल की, T10 के 9 मैच में 10 रन, रिकॉर्ड इनका बिल्कुल खराब है। ललित कुमार T10 के 14 मैच में 48 रन, 1 विकेट है, रिसेंट में इनका बिल्कुल खराब है, क्योंकि ना आप देख सकते हो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों का स्कोर ना अच्छा नहीं है इनका। भूपेंद्र सिंह T10 के 4 में 8 मैच के लिए 8 रन बनाए, यहाँ से आते हैं सुमाइम रहमान की बात कर ले, T10 के 4 मैच में डिड नॉट बैट हैं, रिसेंट में बिल्कुल खराब है। बात कर ले बेंच पे से, तो जैसे बेंच पे से आ जाते हैं वरिंदर विक्र, T10 के 2023 में 14 मैच खेला, 183 रन बनाए, 0 विकेट निकाले हैं, यहाँ पर इनका रिकॉर्ड रिसेंट फॉर्म बिल्कुल खराब होने वाले। बलविंदर सिंह 2022 में T10 के 28 मैच के लिए 454 रन, 18 का एवरेज, 20 विकेट है, यहाँ पर इनका रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देगा। रिसेंट में 19 2 विकेट, 8 2 विकेट, 5 0 विकेट, 34 0 विकेट है। यहाँ से आते हैं दलविंदर सिंह की बात कर ले, T10 के 12 मैच में 169 रन, 13 विकेट है, रिसेंट में 2 विकेट, 45 0 विकेट, 4 1 विकेट, 29 1 विकेट है। हरजोत सहोता की बात कर ले, T10 के 7 मैच में 74 रन, 5 विकेट, रिसेंट में 10 1 विकेट, 38 1 विकेट, 7 0 विकेट, 5 1 विकेट है। राहुल की तरफ आ जाते हैं, T10 के 14 मैच इन्होंने खेले हैं, 80 रन, 15 विकेट निकाले हैं, रिसेंट में 0 विकेट, 8 रन, 23 1 विकेट, 6 2 विकेट और 3 विकेट है। महमूद इरफान T10 के 5 मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाले, रिसेंट में इनका भी सुपर है। हरप्रीत सिंह T20 के 1 मैच ही खेला, 1 विकेट निकाला। गुरविंदर सिंह T20 के 26 मैच खेले, रन 61 ही हैं पर 10 विकेट हैं। बात करें बाकी प्लेयर की, तो बाकी के प्लेयर की स्टेट्स अवेलेबल नहीं है, अगर इनमें से कोई खेलता है उनकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। स्टार्टिंग ऑर्डर आई थिंक देख लें, स्टार्टिंग ऑर्डर लेंगे यहाँ से एम सिंह, जी सिंह, डेथ को डाल लेंगे यहाँ से एम माल, एम सिंह और एम शान। जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए मदद रहने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट और फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम ना ले तो चलते अपने डेमो टीम की तरफ। यहाँ पर मैं अपनी डेमो टीम में करने वाला हूँ विकेट के सेक्शन से जी सिंह को और यहाँ से पी सिंह को, बैटिंग सेक्शन से डेन डॉयल को, जय सिंह और यहाँ से सी ग्रेन सिल्ड्स को, ऑलराउंडर सेक्शन से एम सिंह, एम माल, एप स्टोमन को, बॉलिंग सेक्शन से टी महमूद, एम शान और जे खान को, कैप्टन एम माल को, वाइस कैप्टन करूंगा डेन डॉयल को। बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम में बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही दे पाऊंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जैसे सपोर्ट आप हमारे चैनल में बनाए रखेंगे। फ्रेंड धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।